अपन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। 4 लाख से ज्यादा किसानों को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम सबने सम्मानित होते देखा। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष अमित भाई को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया।